मेरे दर्द बढ़ता, कभी कम हो जाता, कभी सूजन बढ़ जाती, रोज़ परेशानी बढ़ती जा रही थी। कभी कभी तो इतना हेडेक हो जाता था कि मैं उठ ही नहीं पाती थी। बच्चे भी चिंता करके मेरी केयर करते रहते थे कि कहीं मम्मी को दोबारा बीमार ना हो जाए ज़्यादा। नमस्ते, मैं नीलम गुप्ता दिल्ली पड़पड़गंज की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 52 साल है। मेरे दो बच्चे हैं, दोनों बच्चे, एक छोटा है लड़का और लड़की बड़ी है। तो लड़की का बुटीक है और उसके साथ मुझे बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है, उसे मैं अभी सिखा ही रही हूँ। और लड़का 10th क्लास के एग्ज़ाम दे के चुका है। दोनों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अपने घर का काम भी सारा खुद ही संभालती हूँ क्योंकि मैं खुद गृहिणी हूँ। और सारा दिन जीना चढ़ना उतरना आना जाना सब कुछ लगा रहता है। मेरी लाइफ खुद भी ऐसी रहती है कि मैं एक्टिव रहूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमूँ खाऊँ, मंदिर मंदिर जाना, कीर्तन में जाना, सारा काम मैं बहुत अच्छे से करती थी। लेकिन अभी एक साल से मेरे को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हुई है। मेरे दर्द बढ़ता, कभी कम हो जाता, कभी सूजन बढ़ जाती, रोज़ परेशानी बढ़ती जा रही थी। इस वजह से बच्चे भी मेरे डरने लग गए थे। कभी कभी तो इतना हेडेक हो जाता था कि मैं उठ ही नहीं पाती थी। बच्चे भी चिंता करके मेरी केयर करते रहते थे कि कहीं मम्मी को दोबारा बीमार ना हो जाए ज़्यादा, कहीं जाना हो कुछ हो तो बच्चे भी रोक देते मम्मी मत जाना। ऐसे करते करते मेरे को इतना टाइम निकल गया। एक दिन मुझे मेरे योगा की टीचर मिली, उन्होंने मुझे बोला कि आप इतने परेशान हो तो एक बार जीवाग्राम में ज़रूर दिखाओ। मैं उनके साथ जीवाग्राम में आई। जीवाग्राम के डॉक्टर से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि मेरे को 10-12 दिन पंचकर्मा की थेरेपी लेनी पड़ेगी। और उसमें मेरी थेरेपी हुई भी है, शिरोधारा हुई है और वेरेचन हुआ है और उसके अलावा भी थेरेपी हुई है और सारा कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है। और मैं यहाँ की दवाइयाँ भी खा रही हूँ, उनसे भी मेरे को रिलीफ मिल रहा है। अच्छी दवाइयाँ हैं यहाँ पे और खाना भी बहुत अच्छे से दे रहे हैं। जो डॉक्टर ने बताया है वही खाना मुझे मिल रहा है, मेरे लिए स्पेशली बन रहा है। तो यहाँ करके मुझे बहुत खुशी भी हो रही है और पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं कि मैं बहुत जल्दी ठीक होने वाली हूँ। यहाँ का एटमॉस्फेयर देखकर, ग्रीनरी देखकर भी बहुत अच्छा लगता है। सुबह मंदिर जाती हूँ, हवन में जाती हूँ, खुशी होती है। सारा स्टाफ नमस्ते करते हुए आते जाते मिलता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर अकेला मन ऐसा नहीं लग रहा कि हम अकेले हैं, बिल्कुल सब मिलजुल कर ही रह रहे हैं। और भी बहुत लोग आए हुए हैं जिनके साथ हम बातें भी करते हैं और मंदिर में बैठ के कीर्तन भी करते हैं, एंजॉय भी करते हैं, एक दूसरे को अपनी लाइफ के बारे में भी बताते हैं। जीवाग्राम में आकर मेरे को बहुत रिलीफ मिल रहा है, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप में से किसी को भी कोई बीमारी से ग्रस्त हैं या आर्थराइटिस से प्रॉब्लम हो रही है और आपका इलाज से कुछ भी कामयाबी नहीं मिल रही है, तो यहाँ आकर जीवाग्राम में एक बार अपना ट्रीटमेंट ज़रूर लें और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे।